नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण। 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,00,000 से ज्यादा। पीएम की सुरक्षा में कथित चूक पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। और कोरोना महामारी के बीच हड़ताल करने को मजबूर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा है, साथ ही काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सेशन के लिए बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने काउंसलिंग शुरू करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27% का आरक्षण मिलेगा, साथ ही ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी इस सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग को जल्द शुरू करने की जरूरत है। कोर्ट इस मामले में मार्च महीने में विस्तृत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति यानी एमसीसी की 29 जुलाई की अधिसूचना को याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश हित में काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए। अब बात कोरोना की। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 27 दिसंबर को कोरोना के मात्र 6,358 नए मामले सामने आए थे, जबकि आज 11 दिन बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1,00,000 से भी ज्यादा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 302 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के करीब 36,000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 20,000 से ज्यादा नए मामले तो मुंबई से ही सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी आज 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 30,000 मरीजों को ठीक तो किया गया है, लेकिन एक्टिव मामलों में आज फिर 85,900 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। कल छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया, जिसके साथ ओमिक्रॉन अब तक देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। बीते दिन ओमिक्रॉन के 377 नए मामले सामने आए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी बंदिशें लगाई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। अब बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित चूक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जांच में एनआईए भी शामिल होगी। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि किसान प्रदर्शन कर क्यों रहे थे और किसानों के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी को इतना डर क्यों लगता है। वैसे इस मामले में अभी और कई खुलासे होने बाकी हैं। आइए सुनते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निहायत ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपके सामने दो मिसाल में देना चाहूंगा। सबसे पहले इनके कोई नेता हैं सीटी रवि, उन्होंने कहा है देश के गद्दारों को गोली मारो। सीटी रवि जो हैं वो भाजपा के सांसद भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि किसे गोली मारने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है प्रदर्शनकारियों का सामना करने की? फिर ये दूसरे भाजपा के नेता हैं, ये कह रहे हैं हैंग पंजाब सीएम टिल डेथ। इनका नाम है अवधुत वाघ। दो भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया जो लगातार माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं, एक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जान से मारने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। यानी कि किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। और क्या आपने उस किसान से सवाल पूछा कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहा था?
वो प्रदर्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में लोगों के सामने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने 500 मृत किसानों का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मेरे लिए मरे हैं क्या। आप जानते हैं इस मुद्दे की चर्चा पंजाब में जोरों से हो रही है और बात वहां नहीं रुकती। लखीमपुर खीरी मामले में अब तक केंद्र सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया। किसान उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, किसान प्रधानमंत्री की खामोशी, 700 किसानों की मौत को लेकर उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और क्या इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना खालिस्तानी हो जाता है? क्या न्यूज चैनल्स को शर्म आती है इस तरह से हमारे किसानों को टारगेट करते हुए, या इन बीजेपी नेताओं को शर्म आती है? 8 दिसंबर 2021 से हरियाणा की हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कोरोना महामारी के बावजूद अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने पर मजबूर हैं। क्या है मुद्दा, क्या है उनकी मांगे, देखिए न्यूज क्लिक की है ग्राउंड रिपोर्ट। 20,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, ICDS का निजीकरण नहीं चलेगा। तो आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी साइट पर विजिट कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।